मिशन गगनयान के तहत भारत पहली बार अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने जा रहा है और इनकी री एंट्री के लिए जिन पैराशूट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हें फिरोजाबाद में तैयार किया जा रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मिशन गगनयान की तैयारियों में जुटा हुआ है। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। उन्हें 400 किलोमीटर की पृथ्वी की कक्षा में ले जाया जाएगा, फिर वापस धरती पर लाया जाएगा। मिशन के लिए फिरोजाबाद के हजरतपुर में खास पैराशूट तैयार किए जा रहे हैं। ये पैराशूट आयुध उपस्कर निर्माणी तैयार कर रहा है। इन पैराशूट के जरिए अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। ये पैराशूट एकदम सुरक्षित माने जाते हैं। इनसे पृथ्वी पर लैंडिंग करने में न केवल मदद मिलेगी बल्कि कोई जनहानि भी नहीं होगी। वहीं फिरोजाबाद में इन पैराशूट को तैयार कर जल्द ही इसरो को सौंप दिया जाएगा। नायलॉन टेक्नोलॉजी से इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। अभी तक भारत में इस तरह के पैराशूट का किसी भी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। गगनयान के जरिए अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाएंगे और उनकी री एंट्री के लिए इन पैराशूट को तैयार किया जा रहा है। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद अंतरिक्ष यात्रियों की लैंडिंग फिरोजाबाद में बनने वाले इन पैराशूट के जरिए ही की जाएगी। इस गवर्नमेंट का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट गगनयान के पैराशूट हम बना रहे हैं। गगनयान मिशन में हम एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाएंगे। प्रथम बार भारतीय एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे। उनकी री एंट्री जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में होगी वो आयुध निर्माणी हजरतपुर के पैराशूट्स के थ्रू होगी। ये पैराशूट सभी पैराशूट्स की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर की पैराशूट होती है। अभी तक तैयार होने वाले सभी पैराशूट्स में ये सबसे हाई क्वालिटी के पैराशूट्स तैयार किए जा रहे हैं। पैराशूट के बनने के बाद इनकी क्वालिटी को 3 एजेंसियां चेक करेगी। यहाँ 14 पैराशूट सेट बनाए जा रहे हैं। हर सेट में 8 पैराशूट होते हैं और ये सभी फिरोजाबाद में ही बनाए जा रहे हैं। ये सभी पैराशूट अगले 3 महीने में बनाकर इसरो को दे दिए जाएंगे। इन पैराशूट्स को स्पेस री एंट्री पैराशूट के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष से जो कैप्सूल नीचे आता है वो हाई स्पीड से आता है जिसके घर्षण के कारण उसमें हीट जनरेट होती है। इसके लिए इन पैराशूट्स में हीट रेजिस्टेंट नायलॉन 66 फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इन पैराशूट्स में स्पेशल टेप्स भी प्रयोग किए गए हैं जिनके कारण अंतरिक्ष यात्रियों को पूरी तरह सुरक्षित धरती पर उतारना संभव हो पाएगा। इस पैराशूट में क्योंकि कैप्सूल जो स्पेस से नीचे आएगा वो बहुत हाई स्पीड से आता है और अर्थ के एटमॉस्फेयर में घर्षण से इसमें बहुत हीट जनरेट होती है, तो हीट रेजिस्टेंस नायलॉन 66 फैब्रिक इसमें यूज हुआ है। उसके साथ ही इसमें स्पेशल टेप्स यूज हुए हैं जिसके कारण हम जो है इस पैराशूट के थ्रू सुरक्षित अपने हिंदुस्तानी एस्ट्रोनॉट्स को धरती पर उतार पाने में सक्षम हो पाएंगे। अभी तक ये टेक्नोलॉजी केवल अमेरिका, रूस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी उनकी बराबरी कर सकेगा और जल्द ही इन पैराशूट्स को इसरो को सौंप दिया जाएगा। न्यूज 18 के लिए देवेंद्र सिंह चौहान।